प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस स्नेह प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने के बारे में, कुंडली देखने के ग्रहों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। आप लोग यही स्नेह प्यार मुझको देते रहें, मैं भी आपको अपने छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता रहूँ। आप लोग के फरमाइश पे का बहुत अच्छा वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, सोज बुद्ध गुरु की युक्ति, कुंडली में किन किन भाव में अधिक लाभ देता है, क्या क्या प्रभाव देता है, क्या लाभ देता है, इसको आप सुनिए। जैसा कि आप मालूम है कि तीनों ग्रह बहुत ही विद्वान, शिक्षा, प्रशासनिक अधिकारी, ज्ञान के सूचक, जिसके कुंडली में लग्न में सोज बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण उन्नति करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, सफल उद्योगपति बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में सोज बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग समाज सेवक होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं, धार्मिक विचार के होते हैं और चरित्रवान होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में सूर्य बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, संसद विधायक बनते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में सूर्य बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग इच्छानुसार शिक्षा पाते हैं, ऐसे लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जज बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और अपने विद्या के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, कभी किसी के सामने मोहताज नहीं होते। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में सूर्य बुद्ध गुरु की युक्ति हो, दोस्तों क्या बात है, ये रंग से राजा बनते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, ये ऐसे कुंडली वाले अपने नाम, अपने ज्ञान से पूजे जाते हैं, समाज में अच्छा उद्योग बनाते हैं, अच्छी सफलता पाते हैं, पूर्ण सफल रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में सूर्य बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश गमन करते हैं, ऐसे लोग कई उद्योग के मालिक होते हैं, कई जमीन जायदाद के मालिक होते हैं, ऐसे लोग कभी जीवन में किसी का चरित्र नहीं खराब होता, कभी जेल नहीं जाते। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में सूर्य बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, मंदिर धर्मशाला का निर्माण करते हैं, यश कृति प्राप्त करते हैं, अच्छा यश कृति छोड़ के जाते हैं, इनके संतान भी योग्य होते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुने, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करें। मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना है तो आप मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस देना होगा, फीस देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूँगा। इतना कहते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार।